नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो अध्यायाणम नमो लोये सवसाहुणम शुद्धात्मानमनेकांतम साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थम संदष्टार्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जेतु शासनम जी जाया जानिक ही कम कलंक रही नित्य निरंजनानमय त्यो परम प्रणमे नमः समय साराय स्वानुभूत्या च काशते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे कषाय रहित ही हमारा स्वभाव है और कषाय रहित दशा ही हमारा साज है। कषायों से रहित हमारा स्वभाव होने से निष्कषाय अकषाय स्वभाव होने से स्वभाव की रुचि होने पर ही स्वभाव की प्रतीति आने पर ही अनंत कषाय चली जाती। कर्णनियोग का विषय अनंतानुबंधी मिथ्यात् के साथ ही जाती। देवसास गुरु की प्रतीति होने पर ही उनके प्रति भक्ति होने पर ही कषाएं स्वयं ही मंद होने लगती है। अति चंचल मन ही भी एकाग्र होता है जिनवाणी के स्वाध्याय से। इसलिए कषाएं मंद कैसे हो, विशुद्धि कैसे बढ़े, कैसे कैसे मत करो। जिनेन्द्र भगवंतों की भक्ति तात्विक भक्ति समझना। एक बहुत सुंदर शब्द लिखा है, तुम गुण चिंतत निज पर विवेक प्रगटे बिगटे कषाएं अनेक। आपत तो कसाएं ही है ना, कसायों की आपत है। तुम गुण चिंतत, बहुत लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, इतने दिन साथ सुनते हो गए अभी तो कुछ कसाएं घटी नहीं। कि सुनने से घटेंगी ये कहां लिखा? शास्त्र में जो उपदेश है उसका विचार तो किया ही नहीं। विचार किए बिना आचार कैसे हुआ? सुने पड़े बहुत दिन तो भी काम नहीं चलेगा, और विचार आज का आज ही करे तो आज ही शाम को रिजल्ट आएगा उसका। तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक्त का अधिकारी होता है। सम्यक्त माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार। सम्यक्त सम्यकपना, सम्यक्त माने अकेला सम्यक दर्शन नहीं, और अकेला सम्यक दर्शन होता ही कहां है? सम्यक साथ ही ज्ञान हो, और सम्यक दृष्टि भवत नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दर्शन होने पर क्या ज्ञान मिथ्या रह सकता है? चारित्र मिथ्या रह सकता है? वो संयमाचरण अभी नहीं हो पाया, बात अलग है, लेकिन सम्यक के साथ ही सम्यक्वाचरण होगा। सम्यक तो चरण जानते हो गे, सम्यक तो आचरण, सम्यक तो आचरण किसे कहते भैया? सम्यक दर्शन होने पर जो निसंकता आदि रूप आचरण होता है, निर्भयता का आचरण, समझ में आया ना? निर्भय पने का आचरण भी तो है, निर्वांछकता का आचरण होता है, निर्वांछकता का आचरण भी तो है।
भैया ले जी ले लो, हमें जरूरत नहीं है भाई, अभिमान से नहीं भैया हमको नहीं जरूरत, ये बात चल का अनादर है भैया, जरूरत का है नहीं। कसाई की मंत्र जानते हो आप, लेकर के आए इतना, इतनी कोई वस्तु लेकर के आए, भैया जरूरत तो है नहीं, अब तुम लाए हो भक्ति से, ला थोड़ी सी दे दो, बात आदर भैया हम किसी की नहीं, हमको हमारे पास तो है, हमारे पास तो पैसा है। अरे क्या करते, तुम्हारे पास बात चल नहीं है, पैसा से क्या करो। निशंकता रूप आचरण, निर्वांछकता रूप आचरण, निर्विचिकित्सा रूप आचरण, अंतर में गिलानी नहीं होती तो बाहर में गिलानी रूप नाक मुंह कहां से कोड़ेगा, मुंह कैसे फेरेगा। निर्विचिकित्सा रूप आचरण भी तो होगा, निर्विचिकित्सा रूप आचरण का एक धार्मिक क्षेत्र में बहुत अच्छा अर्थ बताया था, बताओ आपको अष्टावण में है, उत्साह रूप आचरण। भगवंतों के दर्शन में, जिनवाणी के श्रवण में, तत्व के चिंतन में, सामायिक में, स्वाध्याय में उत्साह रूप आचरण, समझ माना, उत्साह रूप आचरण। धर्म कार्यों में अनुत्साह होना एक विचिकित्सा नाम का दोष है। प्रायः जी अनुकूलताओं में उत्साहित रहते हैं और जरा प्रतिकूलता आने पर अनुत्साहित हो जाते हैं। किसी ने योग्य सम्मान अधिक नहीं किया, योग्य व्यवस्था नहीं बन पाई, छोड़ो आप कभी नहीं आएंगे, बेकार है। अपन ने कोई विधान किया या कोई कार्यक्रम किया धर्म का, लोग यथा ज्यादा स्वाद सहयोग नहीं कर पाए, नहीं आ पाए, भीड़ नहीं हो पाई कुछ, अरे बेकार है, तमाम पैसा लगा कोई मतलब नहीं है, अपन करेंगे ही नहीं। आप विचार करो, व्यापार में कभी घाटा होता है तब ऐसा विचार करते हो, वहां क्यों नहीं करते। रोग का इलाज करते हुए कभी यथा लाभ नहीं होता जैसा हम सोचते, तो अभी चलो आप कोई इलाज करेंगे ही नहीं, छोड़ो ऐसा करते। धर्म क्षेत्र में हमें ये अनुत्साह क्यों आ जाता है, जरा छोड़ो अब कुछ नहीं करना। तो उत्साह रूप आचरण, अमूर्तता दृढ़ता रूप आचरण, आचरण है ना सम्यक्त्व आचरण, अकड़ अलग है दृढ़ता अलग है। किसी ने कोई तर्क दिया, कुतर्क, जगत के जीवों के नाना प्रकार के क्या शब्द है, पुरुषार्थ सिद्धि पाए में है, असंगत आचरण, नाना प्रकार की कुतर्कें देख करके, कुप्रवृत्तियां देख करके भी ज्ञानी जीव अपने श्रद्धान से चलायमान नहीं होता, अपने नियम से चलायमान नहीं होता। देखो पुरुर्वा भील, एक खजर सार भील का भी आता है कौए के मांस के त्याग का, और बीमार हुआ तो वैद्य आए सो उसने वही मांस बता दिया, सब लोगों ने तमाम समझाया, अपनी तर्क दी, रो कोई रोने लगा, कोई कुछ करने लगा, फिर तो भी वह अपने नियम से चलायमान नहीं हुआ, अपनी श्रद्धा से चलायमान नहीं हुआ। यमपाल चांडाल को कैसा हुआ, हम ऐसे हीन लोगों के दृष्टान दे रहे जिनको तुम हीन मान रहे हो, अपने नियम से चलायमान नहीं हुआ। तो ये अमूर्त ही है,
जिसने जैसा कहा वैसी बातों में आ गए, अपने वैसी सुनने करने लगे। सम्यक दृष्टि जी दुनिया की बातों में आकर के अपने नीति मार्ग को भी नहीं छोड़ता, धर्म मार्ग को तो कैसे छोड़ेगा मोक्ष मार्ग को। तो क्या अमूर्ता रूप आचरण, उपगुहन रूप आचरण, उपगुहन रूप आचरण बोलना भैया। ये तो स्थिति भैया, उपगुहन रूप आचरण बोलो बोलो। दूसरे के दोष मन में भी नहीं लाता, मन दोष बाधनते हैं। दूसरे के दोषों को मन में भी नहीं विचारता, वचन से नहीं कहता और काया से तो कोई बात ही नहीं। माने उन दोष सेवकाचार्य जी में लिखा, दोष सांचे भी अगर हो देखने में आए तो भी उनका उपगुहन करता है, झूठा दोषारोपण तो करता ही नहीं। दूसरा पक्ष बोलो उपगुहन रूपाचरण का, दूसरे के गुणों के प्रति चुप नहीं रहता, मध्यस्थ नहीं रहता, योग्य प्रशंसा करता है, अनुमोदना करता है। दूसरे के दोषों को प्रति निंदा नहीं करता, उपगुहन करता है। उपगुहन कैसे करेगा बोलो, सेठ ने क्या कहा था, नहीं ये छत्र तो हमने ही मंगाया था, उन भी नहीं। उपगुहन करने का मतलब ये है उनको निषेधता है, नहीं ऐसा नहीं है, सुन लेता है, सुनते रहता है, चुप रह जाता है, ऐसा नहीं। दूसरे के दोषों को कोई अपन से कहे, अपन तो नहीं कहेंगे लेकिन दूसरा अपन से कहे तो उनके प्रति चुप नहीं रह जाता, निषेधता है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा मत कहो। समझ में आया ना, तो दूसरे के दोषों को निषेधता है व्यवहार में, ऐसे ही दूसरे के गुणों के प्रति चुप है, ठीक है, नहीं नहीं भावुकता से नहीं। ध्यान रखना एक बात और कह दें, धर्म भावना प्रधान है, भावुकता का नहीं, बिल्कुल मान, बिना सोचे समझे चाहे किसी की प्रशंसा मिथ्या प्रशंसा करने लगना, ये ठीक नहीं है, उससे तो तुम और झूठे हो जाओ। तो दूसरे के गुणों की प्रशंसा करते हैं, बोलो दृष्टांत पद्म पुराण का, रामचंद्र जी वज्रकर्ण ने नमस्कार नहीं किया तो अभी क्या कहा, एक सिंहोदर की कथाएं थी, मेरा ही दिया राज भोगता है और मुझे ही नमस्कार नहीं करता, बड़ा नियम वाला आ गया देश राजगुरु के नमस्कार का, मैं देखता हूं और युद्ध के लिए तैयार हो गया है। और एक रामचंद्र जी उसके अनुमोदना भी की, उसकी सहयोग भी किया और फिर पूछा आकर के, जब सिंह वज्रकर्ण को बुलाया आकर के बैठ गया है, बोले धन्य है तेरे सरदार को, धन धन्य है ते जीव नरवा पाए कारज, पैसुरनाथ जजे हैं। देखो ये अनुपगुवन वो उपगुवन रूप आचरण है, धर्मात्माओं के छोटे छोटे गुणों की भी प्रशंसा करते हैं, बड़े बड़े दोषों का भी उपगुवन निंदा नहीं करते हैं, अपने दोषों की आलोचना प्रतिक्रमण करते हैं, अपने गुणों का उपगुवन करते हैं, लघुता करते हैं, ये सब उपगुवन अंग में है। क्या अपने गुणों की कोई प्रशंसा करे तो, अरे भैया हम कहां प्रशंसनीय, तो वे मुनीश्वर हैं, प्रशंसनीय तो उनका ज्ञान है, जिस ज्ञान ज्ञान में ही मग्न रहता है, हमारा क्या ज्ञान है, कुछ तो नहीं है। माने दूसरे के दोषों को निषेध देने की प्रयत्न करेगा, अपने गुणों को निषेधने का, निषेधने का मतलब नकारने का, ये नहीं है भूल जाए, स्वयं अपने को समझने लगे बहुत बड़े हो गए, बहुत गुणवान हो गए हम, अपने गुणों के प्रति लघुता का भाव रखता है।
थोड़ा बहुत है भी तो ये सब जिनवाणी का प्रसाद है, गुरुदेव का प्रसाद है, भगवंतों का प्रसाद है, हमारा क्या है इसमें। ये तो लौकिक में तुमने सुना, कब भैया कैसे हो, आपकी कृपा है, ये नहीं है क्या, ठीक है और कैसे है, खूब अच्छा धंधा चल रहा है, खूब मेहनत भी कर रहे हैं हम, नहीं आपका आशीर्वाद है, आपकी कृपा है, ये क्या है, एक उपगुण नाम का ही गुण समझना चाहिए। मतलब ये है कि श्रेय दूसरों को, और दोष काम बिगड़े तो गलती हमारी अपनी। ये उपगुण रूप आचरण, स्थितिकरण रूप आचरण, अपनी परिणति यदि अपने स्वरूप से यदि का चल ही रही है, चला है माने तो अपनी परिणति को तत्व विचार के बल से, अपने उदय का विचार करके, अपने भवितव्य का विचार करके, संसार के भोगों का स्वरूप विचार करके अपनी परिणति को स्थिर करना। कभी प्रतिकूलताओं में तेरी परिणति में नाना प्रकार की वृत्तियां आएंगी, अनुकूलताओं में अभिमान आदि कहेंगे, अपनी प्रति को स्थित करना, विचार करो, विचार करो उन महापुरुषों का, परम पुरुषों का, परम पुरुष माने वीतरागी अरंत परमेश्वर और महापुरुष मुनीश्वर आदि, कल कहा था ना महामंद कथा दाया था ना महा क्षमावान, कितनी क्षमा जिसका कोई अंत नहीं। मरभूति की लोक व्यवहार में स्थूलता से दसियों भावों में कोई गलती नहीं, स्थूल रूप से, और तो भी कमठ के प्रति क्षमा बा क्षमा बा क्षमा बा क्षमा बा क्षमा बा क्षमा, कैसी क्षमा, महाविनयवान, महासरल, मन का दोष स्वप्न का दोष भी आकर के गुरु के चरणों में निवेदन करके उसका प्रायश्चित करते, उसने कहा था ना तुम पूछ लेना, अरे हाँ तो करें कि नहीं करें, कर लें, अब कोई क्या कहे, क्या रोटी तुम्हें दें, रोटी खाओगे तो आप क्या कहोगे, तो पानी लाएं, अरे भैया पानी ले लो, अभी एक रोटी और ले लो, नहीं तो रोटी ना आया ना 24 पुराण में, जब द्रौपदी को छुड़ाने के लिए तुम अर्जुन और कृष्ण गए, तो अर्जुन ने कहा, अर्जुन से पूछा, बोलो तुम जा रहे हो, बोलो, अर्जुन ने कहा हम जा रहे हैं, और आज या तो पद्मनाभ रहेगा या हम रहेंगे, कृष्ण ने कहा रहने दे, पहुंच गए तो हम जा रहे हैं और आज पद्मनाभ की खैर नहीं है, द्रौपदी आज मुक्त होगी। तो हम कर लें, तो हम करें, अरे तो कैसे बोले, अब बता इतना पढ़े सुने और कैसे बोले, भैया भोजन करोगे तो का कहे, बोलो कैसे कहे, हे स्वामी अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, प्रतिग्रहण कैसे होता बता, आ भाई भैया कल भोजन हमारे यहाँ करना, आज भोजन हमारे यहाँ करना, आज अपना भोजन अपन करना, तुम पूछ लियो, तुम कह दियो, हमें डर लगा तो कर ही नहीं पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। स्थितिकरण अंग मोक्ष मार्ग में विचलित नहीं होना, अपनी परिणति अगर कदाचित कर्मोदय की तीव्रता में विचलित होती है तो फिर तत्व विचार पूर्वक, अब ये तत्व विचार तो एक ऐसा शब्द हो गया कि अब हमें कुछ लगता ही नहीं है, तत्व है मतलब भवितव्य का विचार करो, उदय का विचार करो। उत्तम क्षमा के प्रसंग में साहब का चार्जी में कैसे लिखा है, भैया तुम तो हमारे तैसी हो,
तुमने तो अनेक कर्म बनाए हैं, आज हमारे कर्म का उदय आ गया, कोई काम बिगड़ गया, इसमें तुम्हारा क्या दोष, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? सब काम बिगाड़ दिया तुमने। अरे कैसे बोल रहे, बोलना नहीं आता, बोलना क्या, सोचना ही नहीं आता, लगता है इसने बिगाड़ा है, तो फिर शब्द बे तो नहीं रहेंगे। वात्सल्य रूप आचरण और प्रभावना रूप आचरण, वात्सल्य रूप आचरण बोलना, मन वचन का, हम तो व्यवहार की चर्चा कर रहे हैं अभी, बोलो वात्सल्य रूप आचरण, परमात्मा के प्रति ये विचार करना, ये अपना ही तो है, अपना स्वभाव लाना, जैसा ये लड़का अपना है, ये पिताजी अपने हैं, अब क्या करें, जैसे हैं तैसे हैं, अपन को सेवा तो करने है, अब कहाँ जाएंगे बुढ़ापे में, तुम जाओ निकल जाओ यहाँ, क्या करते हो तुम यहाँ, कैसे करते हो, इनके प्रति ऐसे बोल रहे हो, पिताजी के लिए कह रहे, अब क्या करें, जैसे हैं तैसे हैं, विचार तो करो, अबे तो पिताजी है, अतः ये साधर्मी है, प्रीति भाव रूप विचार करना, प्रीति रूप वचन बोलना, आपका चार पढ़ो लिखा है सब है, हम आपके ही है, आप हमारे ही हो, ये घर आपका ही है, आप क्यों घबरा रहे हो, हैं? आप तो शांता है। और मनराज का एक बड़ा सुंदर लिखा है समाधि मन में, अगर छपक कदाचित ती बोधे में विचलित हो जाए थोड़ा सा, तो भी आचार्य महाराज कहते, सुनो हमने तुम्हें ग्रहण किया समाधि के लिए, बीच में नहीं छोड़ेंगे हम तो, ये हरी धर्मशाला, हमें कोई मतलब नहीं, अरे कैसी बात करती हो, अब हम तो बीच में नहीं छोड़ेंगे, नहीं आप बाहर ही ले जाएंगे। तो वात्सल्य रूप आचरण माने वात्सल्य रूप, अंतरंग में निश्चय में तो निर्विकल्प है स्वभाव के प्रति परम प्रीति, और व्यवहार में मन वचन का आता, तो वात्सल्य रूप विचार करना, अरे छोटा है गलती, बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा, बता क्या बात है, अब वो शरीर की अशक्ता में ऐसा होता है, कोई बात नहीं, हो जाता है, और निकल गई तो निकल गई, मुंह से दीप हृदय में हो जाता है, कोई बात नहीं। माने मन में यो ऐसा विचार मत करो जिससे बात चलने का घात हो, वात्सल्य रूप आचरण माने वात्सल्य रूप विचार और वात्सल्य रूप वचन बोलना, यथा योग्य आदर, यथा योग्य स्नेह, सहानुभूति, स्थितिकरण, ऐसे यथा योग्य वचन बोलना, और यथा योग्य वचन ही नहीं यथा योग्य व्यवहार करना, मतलब यथा योग्य व्यवहार करना, प्रतिपत्ति यथा योग्यम, ये क्या है, सम्यक तो आचरण की चर्चा चल रही, ये आठ अंग वात्सल्य रूप आचरण और प्रभावना रूप आचरण, बोलो प्रभावना रूप आचरण का, अपने ज्ञायक भाव को उत्कृष्ट पने भाना, खूब भाना, खूब भाना, मन भाई को विचार कर भाई में मगन हो जाए, बाघ को विचार कर भाई में मगन हो जाए, भाई को विचार कर भाई में मगन हो जाए, ऐसे अपने ज्ञायक भाव को उत्कृष्ट रूप से भाना, परमार्थ हो गया, निर्विकल्प भावना परमार्थ हो गई, और सविकल्प रूप भावना ये व्यवहार हो गया, और चलो परम वितराग दशा की भावना भाना, देखो प्रभावना का रूप बता दे, मम परम विशुद्धि भवतु आत्माय मेकोऽस्तु न, देखो ये प्रभावना समझ में आई कि नहीं, क्या आत्माय मेकोऽस्तु न, हमें तो एक आत्मा है, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए सादे अनंत। प्रभावना रूप आचरण हमारे प्रभावना रूप विचार करना,
अकल अंक निकल अंक छोटी थी उम्र है। वो उस समय बौद्धों का शासन जैनों के प्रति अनादर भाव अत्याचार सोचते हमारे धर्म की प्रभावना कैसे हो, कैसे प्रभावना हो, विचार करो। पहले तो हम समझेंगे ज्ञान करेंगे तो बहुत शाला में पढ़ने गए बहुत दर्शनी देखे तो ये कहते क्या है, कैसे खंड उसको फिर खंडन कैसे किया जाए तभी तो कर पाएंगे। और जैन दर्शन का भी खूब अध्ययन किया और उसके बाद जरा सी चूक में आपको बताया था ना अकलंक की, वो अकलंक का था पढ़ लेना, जरा सी चूक हो गई। क्या हुई चूक बताओ, पूरा समय निकल गया और थोड़ा सा समय रह गया और सियादबाद का वो भूल गए अध्यापक और उन्होंने शुद्ध कर दिया। देख कैसा मजा आता है, ज्ञान का प्रदर्शन करने की कभी कोशिश मत करना। अरे और थोड़ी देर कम खा दे, लेकिन वो तो योग था होना था, वो कोई बात नहीं, हम उनका दोष नहीं देखेंगे, हम तो अपने लिए ये विचार कर रहे हैं। वो तो योग था तो अकलंक की रक्षा हो गई, लेकिन वो भी निर्ममता से निर्मोता से रक्षा हुई। अकलंक को एक बार में याद होता था, निकलंक को दो बार में, निकलंक ने छोटा था अकलंक बड़े थे, अकलंक ने कहा भैया तुम छिप जाओ, नहीं वाह तुम जल्दी तुम्हारे द्वारा जो प्रभावना होगी तो हमारे द्वारा नहीं होगी, तुम जाओ जल्दी आ जाओ। और संयम ग्रहण किया अपने जिन धर्म की प्रभावना के लिए, दान तपो व्रत पूजा विद्या सहस्य जिन धर्म है, आत्मा प्रभाव नियम अपने आत्मस्वरूप को निरंतर भाता है। ये सम्यक्त्वाचरण का प्रभावना रूप आचरण है, प्रभावना रूप आचरण निश्चय हो गया। और ऐसे दान के द्वारा, दान के द्वारा प्रभावना करता है, दान के कृत कार्य अनुमोदना के द्वारा प्रभावना करता है। सिंह आदिक ने दान की अनुमोदना की थी, श्रीयांश राजा ने दान दिया था वहां वज्रजंग राज और श्रीमती ने, तो ये दान के द्वारा प्रभावना, तप के द्वारा प्रभावना, विद्या के द्वारा प्रभावना, अक्षयों के द्वारा, अक्षयों के द्वारा प्रभावना। ये देवादिक जो अक्षय दिखाते हैं ना नाना प्रकार के, अथवा ये विद्याधर नाना प्रकार के मंत्र तंत्रों से वो अक्षय के वो प्रसंग है, अक्षयों के द्वारा प्रभावना, प्रभावना रूप आचरण ये है सम्यक्त्वाचरण। आठ प्रकार के मदों से रहित विनय रूप आचरण, मूर्ता रूप आचरण ये हो गया मिथ्यात्व के नाश से होने पर। अब अनंतानंदी के नाश से बोलो, न्याय रूप आचरण, अवक्ष भक्षण के त्याग रूप आचरण, अनीति के त्याग रूप अर्थात नीति रूप आचरण, ये सम्यक्त्वाचरण है, सम्यक दर्शन के साथ ही होता है। तो सम्यक्त माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक त्याग, अहिंसा रूप आचरण, सत्य रूप आचरण, अचौर रूप आचरण, शील रूप आचरण और संतोष परिग्रह परिमाण रूप आचरण। अब देखो ये जो जब तक अभ्यास रूप रहता है तब तक सम्यक्त्वाचरण का ही अंग है, और जब एक देश त्याग की प्रतिज्ञा रूप हो जाता है, निरतिचार व्रत हो जाते हैं, तब वह देश संयम कहलाता है और संपूर्ण त्याग रूप आचरण हो जाता है, तब वो सकल संयम महाव्रत कहलाते। तो भले संयमाचरण अभी नहीं है, क्या लिखा चरित्र मोवश लेस न संयम, ये नहीं लिखा लेस न आचरण, ध्यान रखना। हम उसको एक दृष्टांत दे देते कभी कभी, देखो
बालक गर्भ में आया उसी समय तो जन्म हो गया शास्त्र विधि से। 9 महीने गर्भ में उसका शरीर बढ़ेगा, पलेगा, पुसेगा। लेकिन लोक व्यवहार में जन्म कब कहलाता है? जब गर्भ से बाहर आता है। जब गर्भ से बाहर आता है तब उसका जन्म कहा जाता है। लेकिन शास्त्रीय विधि से जन्म तो उसी समय हो गया ना। जब कहीं मनुष्य गति किसे कहते हैं? बालबोध में से बोलना कोई बोले तो। हाँ, जब कोई जीव किसी कहीं से मरकर जन्म लेता तो देखो गर्भ के समय जन्म लिया उसने कि नहीं लिया, लेकिन उसको गर्भ कह देते हैं। और जब गर्भ से बाहर आता है तो उसको जन्म कहते हैं। ऐसे ही जब तक संयम नहीं है तब तक उसे असंयम कहते हैं। लेकिन असंयमी मिथ्या दृष्टि जैसा असंयमी नहीं है। चौथे गुणस्थान वाला जीव मिथ्या दृष्टि जैसा असंयमी नहीं है और पंचम गुणस्थान जैसा संयम नहीं है। ऐसे विचार में आचरण उसका साथ में है, इसलिए सम्यक तो अकेला कहां, घबराते क्यों? अकेले सम्यक दर्शन से थोड़ी मोक्ष होता है। अकेला सम्यक दर्शन होता ही नहीं किसी को। कौन ने कहा अकेला सम्यक दर्शन होता है? तो कसायों की मंदता देखो, मनराज महामंद कसाय लिखी ना, कैसे कितनी कसाय रह गई, कितनी मिट गई। अनंतानवंदी तो मिट गई, अप्रत्याख्यान मिट गई, प्रत्याख्यान मिट गई, स्वंजलन रह गई। उसका दृष्टांत बताना पानी की लकीर के समान। और तो अभी वे मनराज कैसे विचारते हैं, कैसे चिंतन, अभी तो बहुत राग होती। और ये जरा जरा से अब तो हमने सब छोड़ दिया, वो हम कसाय तो वो तो मिट गई, कसाय छोड़ेंगे हमारी, ये हमारी कसाय छोड़ेंगे। बता क्या कहते हो? ये हमारी कुटेब है अनादिकाल की। जैसे बहुत से लोग कपड़े बहुत दिन में धोते हैं, या ए ये कपड़ा मैला हो गया, अरे कहाँ मैला होगा, गए तो 1 महीना हुआ, अरे तो 1 महीना हुआ, जब बिल्कुल ऊपर दिखाई देने लगे, चिपकने लगे तब कहे हाँ मैल हुआ। लेकिन स्वच्छता प्रिय लोग कैसे होते हैं, ऊपर से मैला नहीं दिखता और उनका धोने लगता है मैल हो गए। ऐसे ही ऊपर से मलिनता नहीं दिखती, परिणामों से कोई बाहर में मलिनता नहीं आई, किंचित विकल बाधिक हो गया, मन की मलिनता हो गई, अनुत्साह हो गया, बस समझ लो वो दो समझ में आ गया। एक बात कही थी आपको, सम्यक दृष्टि जीव को अपनी मन की मन में विकल्प आने का भी जितना गिलानी परिणाम रहता है, दूर करने का भाव रहता है, मिथ्या दृष्टि मोही जीव को अथवा तीव्र कसाय वाले जीव को बाहर में स्थूल दोष का भी इतना देशभूषण कुलभूषण दोनों राजकुमार अनजाने में बहन के प्रति भाव आ गया। अनजाने में ही तो आया, जानबूझ कर क्रिया नहीं, तो अनजाने में भी दोष आ गया तो कैसा भाव उसका प्रायश्चित किया कि अब दीक्षा ग्रहण करेंगे, अब सारी जितनी भी स्त्रियां हैं उन सबको बहन समान ही समझेंगे। और हमें क्या पता होती, हमें क्या पता थी, हमें क्या पता थी। माने अज्ञानी जीवों के, तीव्र कसाय वाले जीवों के जानबूझ करके जो दोष उत्पन्न होते हैं उनके प्रति भी बैठी ग्रहणी नहीं होती, जानबूझ करके। इनके अनजाने में हो जाने वाले दोषों के प्रति जैसी गिलानी है, जैसी दूर करने के लिए उद्यम है, सावधानी है, ज्ञानियों को, अज्ञानी जीव को, तीव्र कसाय वाले जीव को जानबूझ करके दोष हो रहे तो बड़ी अच्छी है। तो कोई गलती हो तो क्षमा कर, कोई गलती हो तो वैसे तो हमारे हिसाब से तो कुछ है नहीं। बता उस दिन भैया अपन बैठे थे वहां बहनों में ऊपर, हमारी गलती का यही समझ में नहीं आ रही, हो भगवान हमने कहा ये आराधना का मार्ग क्यों पकड़ ग्रहण किया तुमने, वो ये मार्ग क्यों लिया, आराधना करने के लिए व्रत लिया हमने, सही है तुझे बताओ
20 वर्ष में तुमने कितनी आराधना करी, कितनी तुम्हारी विशुद्धता बढ़ी, कितनी निष्प्रयता आई, कितनी प्रसन्नता आई। सोचो, कोई दोष, कोई गलती, अपराध, अब हमें समझ में ही नहीं आ रहा भाई का गलती, अब बताओ क्या करें। तो सब सही चल रहा है जो कुछ है, जो यह तीव्र कसाय का चल, मन कसाय। यहां तुम बीज डाल दो, कछु नहीं होना, चिड़िया चुग जाए या वैसे ही जरूर है। और अगर नरम भूमि होगी उसमें बीज है तो अंकुरा आएगा उसका। ऐसे कसायों की तीव्रता में जो कदाचित जीव सुन भी ले, भगवान का दर्शन कर भी ले, कोई गुरुजनों की संगति मिल भी जाए, तो उसको कुछ लगता ही नहीं है, कछ नहीं, ठीक है, वैसे ही चलता रहता है। और कसाय की मंदता हो तो जरा सा सुने उसके ऊपर विचार चलता है, और विचार चलता है तो उसका आचरण होता है, एक त्याग उपाधि का। जो बात हम सुनते हैं पढ़ते हैं उसका विचार नहीं चल पाता है और परिणति हमारी बदलती नहीं है, इसका कारण कसाय की तीव्रता है। इस समय ये बात अलग है कि मंदता इतनी हो कि पता नहीं पड़े, एक दिन में बच्चा कितना बड़ा हो गया मालूम ही नहीं पड़े, कुछ बड़ा हो तो साल भर मारे तुम तो बहुत बड़े हो गए भैया, लेकिन एक एक क्षण में ही तो बड़ा हुआ है। ऐसे एक एक क्षण में अपनी परिणति निर्मलता की ओर बढ़ रही। कसायों की तीव्रता को प्रमाद कहते हैं। कसायों की तीव्रता में प्रमाद होता है, कसायों की मंदता में पुरुषार्थ होता है, ये समझ लो। इसीलिए विशुद्धि को पात्रता कहा। लेकिन ध्यान रखना, तत्व विचार पूर्वक, तत्व के निर्णय पूर्वक विशुद्धि होती है तब वो पात्रता बनती है। अथवा तत्व का निर्णय करने के लिए जब सामने विनय है और जिज्ञासा है तब पात्रता है, विशुद्धि है। अगर कसाय की तीव्रता है तो सामने वाला जाए कोई भी कितना ही सुंदर उपदेश दे तो वो उसको लगता ही नहीं है कि कछु कह रहे, ठीक है कह रहे हूं कहा। जैसे पत्थर पर बीज नहीं उगता, कठोर भूमि में, जली भूमि में, ककरीली कंकड़ पत्थर वाली भूमि में कहां ऐसे ही हमारे चित्त भूमि में जो अंकुरा नहीं आता धर्म का, एक कसायों की तीव्रता का चिन्ह समझ लेना चाहिए। और इस उपदेश को कहकर के एक लाइन और बोली थी, बोलो, ऐसी कसाय की तीव्रता अपने में हो तो दूर करना, औरों की तीव्रता देख देख करके अपने को मंद कसाय वाला मत मान लेना। प्रायः जी दूसरों की गलती कहकर के अपने को सही सिद्ध करना चाहते, ये गलत व्यवस्था है। दूसरों की गलती बता करके अपने को सही सिद्ध करना चाहते हैं, नहीं भाई, दूसरों की गलती से तेर सही कहां से हो गया ये बता। दूसरों की कसाय तीव्र सिद्ध करके अपनी कसाय को मंद सिद्ध करना चाह, दूसरे को अज्ञानी समझ करके, कह करके, सिद्ध करके अपने को ज्ञानी सिद्ध करना चाहता। एक ट्यून आपने सुनी है, ये सब व्यवहारवादी है, ये निश्चयवादी है, तो तुमको इनके व्यवहारवाद से, इनके निश्चयवाद से तुम क्या सहमति हो गए क्या? ये कैसे हैं? अरे भगवान आत्मा देखो, भूला भगवान देखो। और अगर निश्चयवासी तुम्हें लग रहे हैं तो व्यवहार की प्रधानता से उपदेश दे दो, समझा।
व्यवहारावासी दिखते तो निश्चय की प्रधानता से उपदेश दे करके समझाओ। अगर तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी विशुद्धता है तो, और नहीं तो भाई उनके प्रति मादे स्वभाव रख करके अपना हित तो करो। और हम तो भैया दोनों को मानते हैं, भले आदमी व्यवहार व्यवहारवासी नहीं हो जाओगे आकर के। दो मोक्ष मार्ग मान लिया या दोनों को उपाधेय मान लिया, दोनों को अब व्यवहारवासी नहीं हो जाओगे तुम। व्यवहारवास छोड़ने जाएगा, अरे नहीं, व्यवहार का पक्ष लेकर के व्यवहार को निश्चय को छोड़ेगा तो व्यवहारवास जबरन आ जाएगा, और निश्चय का पक्ष लेकर के व्यवहार को भूमिका के योग्य व्यवहार को छोड़ने जाएगा तो निश्चयवास आ जाएगा, और दोनों का समन्वय करने जाएगा, जोड़ तोड़ करेगा। लेकिन कर तो मन कसाए थे रहा अपने को, तो व्यवहार खराब हो जाएगा। और कथा बताओ, कसाय की तीव्रता और मंदता थोड़ी सी और कह दो, आज ये विषय चल गया तो चल जाएंगे। विषयानुराग है वो कसाय की तीव्रता में होता है, भले मंद भी होता है वहां भी मंद तीव्र। कृष्ण लेशिया से नील लेशिया का परिणाम मंद है, नील से कापोत का मंद है, लेकिन तीनों के तीनों असुम में चले गए कि नहीं चले गए, बोलो। एक बात दूसरे सुनो, एक एक केस, एक एक लेशिया में भी तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, मंद मंदतर मंदतम, ऐसे भेद है कि नहीं। इसलिए तुम बहुत सूक्ष्मता से, भैया उपयोग सूक्ष्म चाहिए, आत्मा सूक्ष्म है, आत्मा की आराधना भी सूक्ष्म है, इसलिए सूक्ष्म उपयोग पूर्वक ही आत्मा के आराधक बना जा सकता है। पंडित जी ने एक तीव्र कसाई की चर्चा और लिखी, नवमें अधिकार में, तीव्र कसाई उद्यम करे तो पाप का ही करे, तीव्र कसाई उद्यम करे तो पाप का ही करे, और मंद कसाय भी हो तो भी जब तक यथार्थ उपदेश का ग्रहण न हो तब तक उसको मंद प्रमाद रूप प्रवर्तता है। ठीक है, अब जो है तो आराम से लेटे हैं, आराम से बैठे हैं, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया तो तब पता पड़े जब प्रतिकूलता आ जाए, सोई अभियान पर बढ़िया पता पड़ जाए। क्रोध का प्रसंग नहीं है और क्रोध नहीं है तो क्षमा थोड़ी हो गई। क्रोध का प्रसंग होने पर भी क्रोध नहीं होना, मान का प्रसंग होने पर भी मान नहीं होना, देह छूटने का भी प्रसंग बन जाए तो अभी मायाचार नहीं होना, ऐसे ही भूखे बैठे हैं तो अभी लोभ लालच नहीं आना, माने कसाय की प्रसंग में कसाय नहीं होता, वह कसाय भाव की बात है। अब कसाय का प्रसंग नहीं है और कसाय व्यक्त नहीं हो रही, इसे क्या मतलब हुआ? तो तीव्र कसाई उद्यम करे तो पाप का ही करे, तो भोगों का विचार, विपरीत तत्वों का भी विचार करे तो विपरीत विचार, ये सब कसाय, ऐसे ही वचन और चेष्टा है, ये सब तीव्र कसाय के लक्षण समझ लेना चाहिए। तीव्र कसायों में आर्थ रौद्र ध्यान होते हैं प्राय है। आज तो चर्चा हम दूसरी कर रहे थे कि देखो शुद्धात्मा अकसाय स्वभाव वाला है, इसलिए शुद्धात्मा की रुचि होते ही अनंत कसाय चल जाए। अरे शुद्धात्मा के आराधक महापुरुष परम पुरुषों के दर्शन करने मात्र से कसाएं मंद होती हैं, उनकी संगति से कसाएं मंद होती हैं, जिनोपदेश का बारंबार विचार करने से कसाएं मंद होती हैं।
कैसे कैसे, अब इतना सुनेंगे तो बता कैसे मानो, तो क्या करें, तो क्या करें, अब जिस अभरी बेकार हो गई, ये अभिमान है, ये भीतर घुसने नहीं देता, आएंगे और आकर खड़े तो बताओ क्या करें, तो कह तो रही थी, अब कहा कहें दोबारा दोबारा कहा कहें, कह तो रही थी, और जो कह रहे थे सो भी नोट है, पूरा याद है, और जिन दूसरों को जाकर के फिर वो समझाएं, हमें गिनवाणी का अभ्यास करना चाहिए, हमें तत्व का विचार करना चाहिए, हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए, और अपन के लिए तो बताओ क्या करें। तो तीव्र कसाई उद्यम करे तो पाप का ही करे, माने उद्यम में विचार वचन चेष्टा विषयों के बारे में प्रसार, यहाँ हमें मान सम्मान कैसे मिले जी सोचते हैं, यहाँ हमारी इच्छा की पूर्ति कैसे हो जी सोचते हैं, यहाँ हमारे परमात्मा का पोषण कैसे हो जी सोचते हैं, अरे रे प्रभु ये है तीव्र कसाई उद्यम, और तात्कालिक प्रसंग में क्या चली थी, जिन आज्ञा भंग करके अपना कार्य सिद्ध करना चाहता है। सातवें अधिकार में एक और चर्चा लिखी संवर तत्व की भूल में, समितियों के प्रसंग में, दूसरे के जीवों की रक्षा के, दूसरे जीवों की रक्षा करने मात्र के प्रयोजन सहित समितियों को नहीं पालते मुनीश्वर, मंद अत्यंत मंद कसाय होने से किंचित गमनाधिक प्रयोजन होते, गमनाधिक कार्य होते ना, गमनाधिक गमन ईरिया समझी, बोलना भाषा समती आई, आहार आदि लेना ऐसा समती, आधार निक्षेपण समती, उठाना रखना उपकरण आदि का, और प्रतिष्ठापन समती, तो तीव्र कषाय का अभाव होने से, मंद कषाय होने से दूसरे जीवों को पीड़ित करके अपना गमनाधिक प्रयोजन सिद्ध नहीं करना चाहते, इसलिए स्वयमेव दया पलती है। देखो ये मंद कथा है, अब मंद कथा का एक चिन्ह आ गया, दूसरे जीवों को नीचा दिखा करके, हाँ दूसरे जीवों को पीड़ित करके अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं करना चाहता, दूसरे के अधिकार का हनन करके अधिकारी नहीं होना चाहता, दूसरे की लाइन लाइन में से आगे ले घुस करके एकदम अपन बड़प्पन नहीं बनाना चाहे, कितने प्रसंग है, माने कसाय आने पर भी जिन आज्ञा भंग नहीं करेगा, ये कहने का मतलब है, अगर जिन आज्ञा भंग करके अपने इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, विषयों को प्राप्त करना चाहता है, तो समझ लेना चाहिए कसाय की तीव्रता, स्वयमेव दया पलती है, एक रखा ना, अब आगे चल रहे हो, स्वयमेव सत्य पलता है, स्वयमेव अचौर्य पलता है, स्वयमेव संयम पलता है, हील पलता है, स्वयमेव है संतोष पलता है, स्वयमेव, स्वयमेव माने टाल टूल की बात नहीं, अपने आप हो जाएंगे अपने आप, हाँ ना, स्वयमेव माने बिना जोर के, बिना कृत्रिमता के, स्वभाव की आत्महित पर दृष्टि होने पर, आत्म स्वभाव की भावना होने पर स्वयमेव होती है, तो स्वभाव की रुचि होने पर अनंतानंदी चली गई, और स्वभाव की भावना से ही अप्रत्याख्यान जाएगी, स्वभाव की भावना से ही अप्रत्याख्यान जाएगी, और स्वभाव में लीन होने पर ही संजल कसा चली जाएगी, अकसाय स्वभाव के आश्रय से ही समस्त कसायों का अभाव सहज पने होता है, स्वयमेव होता है, होता समय पर है भाई, होता समय पर, तुमको एकदम हो जाएगा तो भी समय पर होगा, योग्य भूमि में योग्य रीति से बीज बोए जाने पर भी, उसकी योग्य समय में सिंचाई निराई आदि सब करने पर भी, फसल तो बीज समय पर ही आएगी, जल्दी नहीं आ जाएगी, जल्दी ना आने पर ये मत सोच लेना सारी मेहनत बेकार है, बड़ा धैर्य चाहिए, बड़ा धैर्य चाहिए। ओम नमः।